रोहिणी काकी का जीवन बहुत बड़े संकट में था और हमारे घर पे जो रोहिणी काकी है वो रोहिणी काकी नहीं बल्कि असल पूतना थी। और इसका तात्पर्य ये कि गोकुल पर से जो संकट वो अब तक टला नहीं। सत्य का आनंद संकट तुम्हारे सामने खड़ा है। लला लला भैया पूतना ये कहाँ ले आई तुम मुझे? तुम्हारी मृत्यु के बाद कान्हा बहुत बार झलकी है तूने मेरे साथ बहुत बार अपनी मृत्यु से पछताया है तू किंतु आज आज नहीं। महाराज महाराज वसुदेव देवकी वो देवकी वसुदेव जी किस जगह का देवकी ठीक तो है ना? देवकी के प्राण लौट आए हैं वसुदेव जी। उनके शरीर में हलचल हुई है। ये अनर्थ नहीं हो सकता। इस समय तो कदा देवकी वसुदेव ठहरो वसुदेव वसुदेव चला गया। सत्य बताए बिना चला गया। देख यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। उतना मैं भागने का मार्ग नहीं सोच रहा हूँ। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि मेरी मैया यहाँ कैसे आएंगी। अब ना तो तू यहाँ से बाहर जा पाएगा और ना ही कोई यहाँ तक आ पाएगा। आज ना तो तुझे तेरी मैया बचा पाएगी और ना ही तेरी कोई माया। माया कौन सी माया? मैं किसी माया को नहीं जानता और मैया ने भी मुझे कोई माया नहीं सिखाई। और तुम कहो तो मैं मैया से माया सीखकर आऊं किंतु मैं यहाँ से जाऊंगा कैसे? उतना तुम्हें तो उड़ना आता है ना, तो मेरी मैया के पास तुम मुझे ले चलोगी ना? क्योंकि मेरे बिना ना मेरी मैया बहुत दुखी हो रही होंगी। बातें 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 इस बालक की बातें तो समाप्ति नहीं होती। चलिए कान्हा तूने अपनी बातों में उलझाकर कई बार चल गया है मेरे साथ। आज पुनः तू अपनी बातों में उलझाकर मेरे साथ चल करना चाहता है? नहीं नहीं पूतना, मैं तो जब बातें नहीं करता ना तो गोकुलवासी दुखी हो जाते हैं, इसलिए मैं इतनी बातें करता हूँ। यदि मैं इतनी बातें नहीं करूँ तो मैया मुझे माखन ही खिलाती रहती है। कान्हा इस घड़ी में भी तुझे अपनी मैया की सूझ रही है। मृत्यु तेरे सामने साक्षात खड़ी है। मृत्यु अभी तो तुमने कहा कि तुम पूतना। देखो एक बार तय कर लो कि तुम मृत्यु हो या पूतना।
देखो मैया पूछ गई तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि मैं किसके साथ था, मृत्यु के साथ या पूतना के साथ। वेज, कैसी है मेरी देवकी? बोलिए ना वेज जी, देवकी स्वस्थ है ना? चमत्कार हो गया वसुदेव जी, चमत्कार। महारानी देवकी की नाड़ी वापस लौट आई है, इनकी धड़कनों की गति सामान्य हो गई है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जी, तो देवकी ठीक हो जाएगी? हाँ वसुदेव जी, वर्षों के रोग के कारण इसमें थोड़ा समय लग सकता है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि महारानी देवकी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगी। देवकी, सुना तुमने वैद्य जी ने क्या कहा? वैद्य जी ने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं जानता था कि तुम्हारी ममता तुम्हें वापस खींच कर ले आएगी। मुझे पूरा विश्वास था देवकी कि तुम अपने लल्ला का मुख अवश्य देखोगी। हमारा लल्ला जीवित है, हमारी आठवीं संतान जीवित है और सुरक्षित भी है। देवकी तुम सुन रही हो ना? देवकी, देवकी तुम मेरी बातों को सुन रही हो? मैं जानता हूं कि तुम मेरी बातों को सुन रही हो देवकी। तुझे अपनी मैया को कुछ बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बताने के लिए तुम जीवित नहीं बचोगे। शुभ शुभ बोलो पूतना, क्योंकि मैया कहती है ऐसी अशुभ बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन अमूल्य होता है। जीवन अमूल्य? हाँ कान्हा, तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य था। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा जन्म ही हुआ था मेरे हाथों मरने के लिए। तुम्हारे हाथों? किंतु मैया तो कहती है जीवन और मरण सदैव भगवान के हाथों में होता है, और मैया तो सदैव सच्ची बोलती है। अर्थात तुम झूठ बोल रही हो पूतना। कान्हा, बहुत विश्वास है ना तुझे अपनी मैया पर? आज तुझे पता चल जाएगा कि तेरी मैया सत्य बोलती है या पूतना। प्रभु, हमें चिंता हो रही है प्रभु। जहां कान्हा को अपने रक्षा की युक्ति सोचनी चाहिए, वहां वे पूतना से जीवन दर्शन की बातें कर रहे हैं। पूतना असुर है, उससे ज्ञान की बातें करना व्यर्थ है। नारायण नारायण, मैं समझ गया माते, मैं प्रभु की लीला समझ गया। वो पूतना को जीवन का ज्ञान देकर उसे सुधरने का अंतिम अवसर दे रहे हैं प्रभु। देव ऋषि, यही विधि का विधान है। सभी जीवों को अपने जीवन में प्रायश्चित करने का एक अंतिम अवसर अवश्य प्राप्त होता है। अब देखना यह है कि पूतना इस अवसर का लाभ उठा पाती है अथवा नहीं। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। सच सुन के तुम इतना क्रोधित क्यों जाती हो पूतना? मैया कहती है हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो क्रोध करता है उसकी मृत्यु समय से पहले ही हो जाती है। पित्ते भर का बालक, और मुझे ज्ञान देगा? मैं जानती हूँ तू ऐसे चुप नहीं बैठेगा। तुझे चुप करने का केवल एक ही मार्ग है, तेरी मृत्यु। और आज पूतना तुझे ऐसी मृत्यु देगी कि आने वाले समय में पूरा संसार पूतना को स्मरण रखेगा।
कुछ समझ ही नहीं रही है, अब मैं क्या करूं? लल्ला, जब संकट से बचने का कोई मार्ग ना हो तो हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में केवल ईश्वर ही हमारी सहायता कर सकते हैं। सब मुझसे ही जन्मते हैं और मृत्यु पश्चात मुझ में ही लौट आते हैं। मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत हूँ। इस जगत में केवल मैं ही सर्वथा सत्य हूँ। माया, एक और माया। पूतना के समक्ष कोई माया नहीं चलेगी, कोई माया नहीं चलेगी। कान्हा, तेरी माया और तेरे जीवन दोनों का अंत कर देगी ये पूतना। माता, माता, मैं आऊं माता। लल्ला, लल्ला तुम कहां थे? लल्ला, मैं युगों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। लल्ला तुम कहां थे? लल्ला, आओ मेरे पास आओ। युगों युगों से ममता की प्यासी अपनी माता रत्न बाला के हृदय से आके लग जाओ मेरे लल्ला। अब एक क्षण की भी देरी मत करो लल्ला, आओ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से मेरी केवल एक ही अभिलाषा थी कि तुम मेरे पुत्र बनो और मैं तुम्हारी माता, और मैं तुम्हें अपने आंचल में छुपाकर तुम्हें दुग्ध पान कराऊं। आज मेरी सारी अभिलाषाएं पूरी होने जा रही हैं। मन का पाप विकार, पुत्र, आज तुम्हें दुग्ध पान कराकर मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है। मैं इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहती हूँ लल्ला। नारायण नारायण, आपकी ये कैसी लीला है प्रभु? अब देखिए ना, रत्न बाला के रूप में आज स्वयं पूतना नंदलाल को दुग्ध पान करा रही है। एक असुरी और ईश्वर को दुग्ध पान करा रही है प्रभु, इस लीला का अभिप्राय क्या है प्रभु? देव ऋषि, ईश्वर, असुर, देव या मनुष्यों में कोई भेदभाव नहीं करते, अपितु ईश्वर उसे ही प्राप्त होते जो उन्हें सच्चे हृदय से चाहता है। रत्न बाला के रूप में पूतना की यह अंतिम इच्छा थी कि वह वामन अवतार कान्हा को दुख पान कराना चाहती थी। आज रत्न बाला की वही मनोकामना पूर्ण हो रही है देव ऋषि। किंतु प्रभु, इससे पूतना को क्या लाभ होगा? देवी, जब एक माता का मन पाप और विकार से भर जाता है तब एक पुत्र का धर्म है कि वह अपनी माता को सभी विकारों से मुक्त करे। आज कान्हा केवल पूतना का दुख पान ही नहीं कर रहे हैं अपितु साथ ही साथ वह पूतना की सभी असुरी शक्तियों को ग्रहण भी कर रहे हैं। पूतना अब मात्र अपने शरीर से ही असुर है, उसकी अंतरात्मा पवित्र हो चुकी है। आज पूतना
अपनी सभी असुरी शक्तियों के भार से मुक्त हो गई है देवी, हो गई है। चलाओ दिए, दिए चलाओ, रखो ध्यान इतना कि तनिक भी अंधेरा ना रह जाए, कोना कोना कर दो प्रकाशित, उजाले से भर दो मेरी बहन देवकी का जीवन। जानते हो वसुदेव, इन दियों में जलने वाला घी मैंने गोकुल से मंगवाया है। मेरी बहन देवकी को गोकुल का घी और मक्खन अत्यधिक प्रिय है, बचपन से एक ही रट, मुझे गोकुल जाना है, मुझे गोकुल जाना है। अरे क्यों जाना है पगली, गोकुल जाना क्यों था? आ देख रहे हैं जीजा श्री, अब देखना इस घी की सुगंध से झट से खोल देगी आंखें मेरी बहना, फिर आपका जीवन प्रसन्नता ही प्रसन्नता, उजाला ही उजाला। सुना है मैंने परमारथ के कारण दादू धरा शरी, अर्थात सज्जन पुरुष अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। इन दीपकों की तरह जो अपने लिए नहीं जलते अपितु दूसरों को उजाला देते हैं, वैसे ही जीजा श्री मैंने आपके जीवन को भी जगमग 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 कर दिया। अपनी पत्नी के इस अभागे भाई पर थोड़ा सा ध्यान दो, बताओ ना कहाँ है आपका आठवां पुत्र? पुत्र? कौन सा पुत्र कंस? कंस तुम भूल गए हो कि हमारी आठवीं संतान एक पुत्र नहीं बल्कि एक पुत्री थी। भगवान स्वामी, भगवान स्वामी, जानता था वसुदेव कि तुम यही कहोगे। क्योंकि देवकी के स्वास्थ्य में सुधार जो हो रहा है, किंतु मत भूलो देवकी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ क्योंकि तुमने भगवान कंस को सत्य बताने का निर्णय लिया। यदि तुम चाहते हो कि देवकी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए तो तुम्हें मुझे पूर्ण सत्य बताना होगा। मुझे मेरी शक्तियों की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? कहां गई मेरी शक्तियां? जो भी हो, मैं इस बालक को जीवित नहीं छोड़ सकती। किसी भी स्थिति में मुझे इसका अनाकांत करना ही होगा। भैया,